हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सारे सही हो गए। तो मैं आज ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं है क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। बट कुछ चूटों की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं इग्नोर कर रहा था इस बात को। मुझे वो न्यूज़ पता है, परसों से पता है, और वो वीडियो भी मुझे परसों से ही पता चली। बट मैं इग्नोर कर रहा था कि वीडियो ना बनाऊँ ना बनाऊँ ना बनाऊँ। मैं बहुत परेशान हूँ उस चीज़ को लेकर। मेरे को खुद अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है उस चीज़ को लेके कि वो जो हुआ बहुत गलत हुआ। अब बट इस गलत होने में एक इंसान इस दुनिया से चला गया, उसका क्या रीज़न था वो उन्हीं को पता है कि क्या रीज़न था। किसी को कुछ ही नहीं पता किस वजह से वो हुआ। मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आप सभी लोग प्रे करें उनके लिए। बट एक टिकटॉकर है, इन चूतियों को इतना नहीं पता वो बंदा मरा है अभी। जैसे उसकी न्यूज़ टीवी पर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। अब मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, देख लो। मैं सिर्फ इसी पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, इस बंदे की वजह से। अभी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। आप देख पा रहे हैं जी, धोनी में जिन्होंने एक्टिंग करी थी उन्होंने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। रीजन क्या है इस सुसाइड का वो आपको सीधा पता लगेगा यहाँ पे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे। मैं इस बंदे ने इतना बड़ा चुतियापा कराया ना, ये वीडियो बना के, मतलब टीवी पर न्यूज आ रही है और ये बंदा इस वीडियो में बता रहा है कि इसको रीजन पता है। ये अंतर्यामी है क्या भाई? अंतर्यामी है क्या? और इस वीडियो में मुझे इसकी वीडियो से भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। जो इसके चेहरे पे इतनी ये स्माइल थी ना बड़ी सी भाई, तुझे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ऐसे ही लेने थे यार, तुझ पर लालच है यार। अपना फेम वेम सब टिकटॉक विकटॉक भर घुसेड़ दे किसी भाई, क्या नहीं देना चाहता गाली में। बट यार इस बंदे ने वीडियो सच में बहुत गलत बनाई है जी। इस बंदे को गाली ही दोगे आप सब लोग यार। बंदे को मरे हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसकी न्यूज़ आ रही थी और ये बंदा वीडियो बना रहा है। कैसे कैसे लोग पड़े इस दुनिया में यार, अपने फेम के लिए कुछ भी करते हैं। नहीं होना चाहिए था भाई, ट्रेंडिंग में है तेरी वीडियो, ये सब चल रहा है। मैं तो देखा भी नहीं, मैंने स्टोरी देखी थी किसी एक यूट्यूबर की, उससे जाके मुझे पता चला कि इस बंदे ने वीडियो बनाई। और जैसे मैंने वीडियो देखी मुँह से गाली के अलावा कुछ नहीं निकला यार। तुम लोग इतने बड़े चूतिया हो गए यार, टिकटॉकर्स ने कितनी वीडियोज़ बना दी उसके चक्कर में यार। वो मेरी इंस्पिरेशन था, मैं यार अच्छे एक्टर थे, मतलब डांस फिजिक अच्छी थी, कुछ अच्छा था, क्या कह नहीं सकता मैं यार। एटलीस्ट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी यार, तू वीडियो बना रहा है भाई, तू चूतिया एक नंबर था। तू मेरी वीडियो देख रहा है ना तो तू सॉरी बोलोगे इसमें, ठीक है बहन? जो चूतिया पर चल रहा है क्या यार, कोई बंदा मर गया क्या वजह थी? तुझे पता है एकदम, ऐसे कैसे पता है तुझे भाई? अरे इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे इस बंदे की वीडियो देखने के बाद। अगर ये सच्ची मेरे सामने होता ना, मैं इसे इतनी गालियाँ देते यार। क्यों क्यों भाई क्यों, क्या जरूरत पड़ गई तुझे वीडियो बनाने की? यही वीडियो की लोग मर रहे हैं और तू लोगों के मरने पे व्यूज़ कमाएगा और तेरे पास टैलेंट नहीं है? दोस्तों मैं बस यही बात करना चाह रहा था आप लोगों से। मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि उनके आत्मा को शांति दे। इतने बड़े बड़े सपने देखे थे उन्होंने, कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए वो नहीं पता है। बट एक हाँ, मेरे भी आइडियल थे वो कहीं पर अभी भी रहेंगे। मैं जब जिम करता था उनका ही वर्कआउट फॉलो करता था, जो वो एथलेटिक्स करते थे जिम वर्कआउट में उनका पूरा फॉलो करता था। मेरे फ़ोन में एक फ़ोटो थी उनकी, वो मेरे स्क्रीनशॉट आज भी मेरे लैपटॉप में सेव है। बस दोस्तों यही थी वीडियो। इस बंदे को जितनी गाली दे सकते हो आप लोग दो। मैं यही चाहूँगा आप इस बंदे को जितनी गाली दे सकते हो दो। और इसकी जो स्माइल है ना, जो इसकी वो मुस्कुराहट थी, उसको ख़त्म कर दो कुछ टाइम के लिए। इसको इतनी गालियाँ दे दो। जो ये मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज़ इसको कमेंट में भी गालियाँ दो। मैं कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों, बाय। बस मैं इतना ही कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग सब प्रे करो कि उनके आत्मा को शांति मिले और उनकी फैमिली को सहानुभूति कोई दे या ना दे।